There's a very strong social message and it's about women empowerment. मतलब एक ऐसा पल नहीं गया जब हम मूवी से थोड़ा सा भी डाइवर्ट हुए। अपने दिल की आवाज़ सुन के उन्होंने जो एक्शन उठाई है वो गलत हो ही नहीं सकती। आजकल की सब औरतें भी मॉडर्न हो गई हैं, ऐसा नहीं होता है ऐसा कि थप्पड़ का सामने जवाब नहीं देंगी, वो तो गलत है। पहले के ज़माने में सब होता था ऐसा। हालांकि लोग कह रहे थे कि सिर्फ एक थप्पड़ के लिए डिवोर्स, लेकिन ये एक शुरुआत है, इट्स द फर्स्ट स्टेज। और आज हमारी सोसाइटी में मानसिक उत्पीड़न के साथ साथ इतने रेप मर्डर हो रहे हैं औरतों के, जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए हमारी सोसाइटी में। हर पेरेंट्स को देखना चाहिए, हर लड़की को देखना चाहिए, हर औरत को देखना चाहिए, हर भाई को देखना चाहिए। बहुत, मैं तो कई जगह इमोशनल हुई। अनुभव सिन्हा की मूवीज़ बहुत ही रियलिस्टिक होती हैं और ये एक और रियलिस्टिक मूवी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक्ट्रेस ने बहुत ही नेचुरल एक्टिंग करवाई गई है, डायरेक्टर ने बहुत ही बढ़िया काम करवाया है। तापसी पन्नू हैज़ डन अ रोल विच इज़ नॉट ग्लैमरस, बहुत ही रियलिस्टिक रोल पोर्ट्रे किया, बहुत ही रिलेटेबल, एंड एवरी वुमन विल बी एबल टू यू नो एट सम स्टेज रिलेट टू हर। ओवरऑल इज आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच फॉर मस्ट वॉच 25 अप के लिए तो मस्ट वॉच है, मस्ट वॉच है। सबसे अच्छी बात जो औरत लड़ रही है अपने मन की, जो मतलब ऐसा नहीं कि अहंकार से भी नहीं लड़ी, उसके दिल में जो लगी है उसके लिए लड़ गई, और औरत को वैसे लड़ना भी चाहिए। पहले तो ऐसी पिक्चर बनानी नहीं चाहिए ऐसा कि समाज में रॉन्ग मैसेज जा रहा है, क्योंकि एक छोटी बात को बहुत बड़ा इश्यू बना दिया है। डाइवोर्स तक खींचना वो बराबर नहीं है। इवन दो ही अपोलोजाइजेस टिल द एंड, वो कहती है कि नहीं क्यों, व्हाई डिड यू नो स्लैप मी इन द फर्स्ट प्लेस। तो वो बहुत ही लोगों के लगेगा इट्स नॉट अ बिग डील, ये मूवी में यही दिखाया गया कि इट्स अ बिग डील, क्योंकि थप्पड़ सबसे फर्स्ट स्टेज है फिजिकल वायलेंस की, उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस, अग्रेशन, क्या क्या हो सकता है हमारी सोसाइटी में, तो वो उसको उजागर करती है। 4.5 मैं 4 दूंगा। आई विल गिव 4 स्टार्स। मैं तो 5 देती हूँ। 4.5।